पूरा इंजन बाइक का खुल चुका है, बाइक लग रही कुछ इस तरीके से। सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, ये सामान आ गया मेरा कुछ इधर पड़ा हुआ है। तो आज हम आ चुके हैं अपनी बाइक का इंजन का काम कराने। मोबाइल कह रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इंजन मतलब बाइक की रिपेयरिंग शॉप है, मैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने बाइक का काम होना शुरू हो गया। मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। मेरे भाई इंजन का काम होना शुरू हो गया है। ये दोनों भाई इंजन को खोल रहे हैं। पहली बार खुल रहा है? पहली बार ही खुलेगा इंजन। तो बार बार खुलवाओगे तुम? ऐसा काम करोगे बार बार खुलेगा? बता दो गाड़ी में दिक्कत क्या हो रही थी। गाड़ी बार बार प्लग शॉर्ट कर रही थी और सिर्फ 10 दिन में ही इसमें 1 लीटर ऑयल डलाने पर पूरा ऑयल खत्म हो जाता है। और ये देखो मैंने परसों ऑयल डलाया और ऑयल की हालत देखो किस तरीके से खराब, कितना ज्यादा गंदा हो चुका ऑयल, बहुत ही ज्यादा बेकार ऑयल निकल रहा है। तो ऑयल खा रही थी 10 दिन में और टाइमिंग चेन आवाज कर रही थी बहुत ज्यादा खड़खड़ खड़खड़ के, इसलिए मुझे हाफ इंजन का काम कराना पड़ रहा है ताकि पूरा इंजन खराब ना हो जाए, इसलिए हाफ इंजन का काम कराने में आ जा रहा हूँ। तो यहाँ भाई ये खोलने पे लगे हुए इंजन, बोला कि हाफ इंजन करा लो और साथ में क्लच प्लेट भी डलानी है। रेस नहीं पकड़ रही थी ना पिकअप आ रहा था कुछ, तो यहाँ पर काम कराना है। मैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी और कितना खर्चा आने वाला है। तो इसकी हालत कुछ इस तरीके खराब हो रखी है। इसे क्या बोलते हैं? वाल सूख गए, क्या हो गया? ये भाई आएंगे तो बताएंगे खोल के, ठीक है? भाई खत्म हो गया, वाल खत्म हो गया। क्या हालत हो गई इसकी पूरी? क्रैक लेना रे कुछ खोले ले बड़का चाबी। ये पिस्टन है शायद, वाल सब ज्यादा बहुत बुरी तरीके से खराब हो रखा है। ये आपके सामने ये खोल दिया इन्होंने। मेरा जो प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा था उसका रीजन पता चल गया। ये देखो प्लग इधर से ये लगा हुआ और ये यहाँ इसकी वजह से खराब हो रहा था, वाल की वजह से। यहाँ देखो कितनी गंदगी है इस पे, जिसकी वजह से ये प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा था और मेरे को पता नहीं चल पा रहा था क्या हो गया रहा है बाइक में। तो ये मुझे पता चला जब ये इंजन खुला तो दिखा, हाँ कि यार प्लग का कनेक्शन यहाँ से होता है वाल से, और वाल अगर खराब होंगे तो उसकी वजह से प्लग शॉर्ट हो सकता है जो ऑयल भी खाती है जिससे बाइक। और अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो क्लच प्लेट की साइड भी खुल चुकी है पूरी इस तरीके से, एक प्लेटें निकली हुई हैं, पूरी जली हुई प्लेटें हैं। ये डलेंगी बाइक में, जिसकी वजह से बाइक रेस नहीं पकड़ रही थी और रेस ग्रंग 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 कर रही थी क्लच प्लेट की वजह से। तो इधर का हिस्सा भी खुल चुका है और फिर लगभग सारा ही खुल चुका है। इसका ताम झाम इसमें रख दिया है इन्होंने, जितने भी पार्ट्स निकले हैं और आगे के वे रखे हुए हैं। अब खर्चा बढ़ गया, खर्चा हाफ इंजन की वजह पूरा इंजन होगा। ये बता रहे कि ये हिल रहा है, ये ऐसे इधर उधर हिल रहा है, मतलब कि ऐसा आगे पीछे करने पे बोल रहा है कि ये नहीं चलेगा, ये भी डलेगा और फिर अंदर के भी बैरिंग वैरिंग भी डलेगा ना, तो पूरे इंजन का काम होगा। तो अब खर्चा बढ़ चुका है, अब पूरा इंजन का काम होगा गाड़ी का। पूरा इंजन बाइक का खुल चुका है, बाइक लग रही कुछ इस तरीके से। सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, ये सामान आ गया मेरा कुछ इधर पड़ा हुआ है। तो सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, अब पैकिंग होना शुरू हो गया है, स्टार्टिंग इससे की है और ये सारा सामान इधर रखा हुआ है। और चैम्बर में भी काम हो रहा है, चैम्बर क्रैक हो गया था एक नट का, तो उसमें भी काम हो रहा है, वो अभी लेने गए हैं। तो इस तरीके से पूरा बाइक का सामान इधर फैला हुआ है। इधर बाइक खड़ी हुई है, बाइक देखो कितने अजीब सी बाइक लग रही है। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मैं इसे ऐसे ही चला सकता हूँ? नहीं। तो आज इंजन पैक हो चुका है बाइक का और अभी बाकी सब काम रह गया है। आधा ये पैक हो गया, देखो इस तरीके से पूरा पैक कर रहे हैं भाई।
टोटल खर्चे की बात कराऊं तो 1.5 साल में मैं अगला टायर बदलवा चुका हूं एक बार, 2 बार पिछला टायर बदलवा चुका हूं, क्लच प्लेट एक बार डलवा चुका था, इस बार पूरे इंजन का काम हो चुका है। लगभग 50,000 रुपये इसमें मैंने 1.5 साल में खर्च हुए हैं जो मैंने इसमें छुटकर मुटकर काम कराया है। और टायर 2 बार डलवा दी एक तरीके से, और क्लच प्लेट डलाई थी, और सर्विस वगैरह सारा मिला के 50,000 रुपये के समथिंग 1.5 साल में खर्च हुआ है। और 70,000 किलोमीटर चली है, तो उसके हिसाब से पेट्रोल की भी बात की जाए तो पेट्रोल लगभग 1,30,000 रुपये के समथिंग 1.5 साल में पेट्रोल लग चुका है डिलीवरी करने में। तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है डिलीवरी में, लोगों को लगता है कि डिलीवरी में अर्निंग है, बट बाइक और पेट्रोल और सर्विस मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो बाइक अपनी बन के पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए पूरा इंजन का काम एकदम तरीके से पूरा फिट एकदम अच्छे से पैक हो गया है, और गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि पैसे लगे मज़ा तो आएगा ही। और एकदम मक्खन चल रही है रेस इसकी, एकदम मलाई सी चल रही है। और मैं आपसे बताऊं कि अपनी आप अगर आपके पास BSX बाइक हीरो की स्प्लेंडर है तो आप अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन रखें, और हर 2,000 किलोमीटर पे वो 5 दिन में चले या 10 दिन में चले उसकी सर्विस कराते रहें। मैं भी टाइम टू टाइम करा रहा था, तब जाकर ये 70,000 किलोमीटर पे इसके इंजन का काम हुआ है। आपके पास भी अगर BSX हीरो की स्प्लेंडर है तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा, नहीं तो फिर बोल जाएगी और आपका मोटा खर्चा आ जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको चीज़ें कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरीके से मैं डिलीवरीज करता हूँ और अपनी बाइक का ख्याल रखता हूँ। तो आप भी अपनी बाइक का अच्छे से ख्याल रखें।